आज तकरीर करने का कोई वक्त नहीं है, ना मौका है। हम आए हैं आज यहाँ पे फातिहा पढ़ने, शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मेहरबान को, इसी सवा हमें कुछ नहीं कहना, बहुत कह चुके हैं। और आप लोग तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ आए तो हम सब की नुमाइंदगी करते हैं। आपके जज्बात और एहसास के तर्जुमान हैं वो, यहाँ की बात उन्होंने दुनिया में हर जगह रखी, बिलखसूस अपने मुल्क में दिल्ली जिसमें शामिल है। तो जो जो मुश्किलात यहाँ लोगों को दरपेश हैं उसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी जो ठीक करने की वो मरकजी सरकार पर आयद होती है। और यहाँ जो तूल दिया जाता है इसका गवर्नर राज का, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज का 4 साल लगा है। और हम जब पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ये, वो कह रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन जगह जगह आपके ज़रिए से ज़रा इब्लाग हैं, आप अखबारों के ज़रिए से ये कहते हैं कि हालात इतने ठीक हैं कि पहले से ज़्यादा काम हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं इनको छोड़ते क्यों नहीं आप, इसको ये जो सख्ती आप लगाए हुए हैं, कहने जीने जी अभी खतरा है। बहरहाल इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत इनके काम आएगी। शेख साहब कहते थे मैं ही पने नीयत बका नहीं, मैं ही पने नीयत बका, ये झूठ पे चल रहे हैं, झूठ बिलाकर मुँह के बल गिरेंगे। हम नहीं चाहते, एक बड़ा मुल्क है, मशहूर मुल्क है, हमने रिज़्क़ खाया अल्लाह ताला का, लेकिन बहाना दिल्ली का हुआ है ज़्यादातर। यहाँ हालात अगर ठीक हुए 47 के बाद, वो मरकजी सरकार हिंदुस्तान ने ये किया, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन जो गलत रास्ता इन्होंने इख्तियार किया उसकी हम पुरजोर मुखालफत करेंगे, जब तक यहाँ अवामी राज बिला किसी दबाव के, बिला किसी ख़तर के कायम नहीं होता है। उंगलियाँ 5 ही 5 मरकजी सरकार की तरफ उठेंगी यहाँ के लोगों की। और यहाँ के जितनी देर आप ये गैर यकीनी हालत रखेंगे, हिंदुस्तान से लोग इस वक्त नाराज़ हैं, कल को हिंदुस्तान से नफरत करना शुरू करेंगे, जो फिर कभी ठीक नहीं होगा। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग अच्छी खासी आबादी लोगों की, वो अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीके कार को ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है, इसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं, इसमें क्या करेंगे। इसी तरह बॉम्बे में भी छोटी बात नहीं है, चाहे वो मौकफ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है, ये मर्द ही दे सकता है जान। भाई